हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। और गाइस, मेरे को बंदों ने काफ़ी अच्छे अच्छे एंकलोसोरस के नाम बताए, तो मैं वीडियो के एंड में जो है एंकलोसोरस को देखो टॉन्ट मार रहा है बेस, ये देखिए क्या। अरे भाई क्या इमोट कर रहा है। तो वीडियो के एंड में गाइज हम सारे एंकलोसोरस को जो है आपने बताए हुए नाम दे देंगे। अभी हम क्या करने वाले, अभी हम जाके जो है कांगारू जैसे जो डायनासोरस होते हैं उनको जाके टेम करने वाले, ठीक है? तो उनको टेम करने के लिए हमको चाहिए होते हैं रेयर फ्लावर। तो रेयर फ्लावर जो है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। जब भी मैं, आपको पता होगा, सीमेंटिंग पेस्ट लाने के लिए बीवर डैम लूटता था तब मैं रेयर फ्लावर लेके आता था। तो मैंने फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा रेयर फ्लावर रखे होंगे मेरे हिसाब से। ये देखो भाई 300-400 पड़े, 200 लेके चलते, इतने भी नहीं लगेंगे, ओके? और जो है थोड़े से नारकोटिक भी ले लेते हैं इनकेस अगर ज़रूरत पड़ी, कि हाई लेवल का अगर हमने पकड़ लिया तो उसको थोड़े से नारकोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और एक और चीज़ मैंने बना ली है, लॉन्ग नेक राइफल, ओके? मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। और उसमें नारकोटिक जो डार्ट्स है वो डाल दिए मैंने, ओके? ये देखिए, लोड होने दीजिए ग्राफिक, ओके हो गए लोड। तो देख रहे हो लॉन्ग नेक राइफल गाइज मैंने बना दिया आखिरकार, काफ़ी बढ़िया लग रही है बेहोश करने के लिए बर्ड्स को, अपने डायनासोरस को, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलिए गाइज, हमको जाना पड़ेगा रेगिस्तान में, क्योंकि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो पिछली वीडियो में मेरे को काफ़ी अच्छे एक कलर का जो है वो कांगारू वहाँ पे दिखा था, पिंक कलर का था, तो वही हमको पकड़ना है। तो इसके लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे अभी, और थोड़ा सा पानी यहाँ से उठा लेते हैं। और मेरे साथ आ रहा है प्यान ही हमारा, वो बोल रहा है कि वो जो हमने ड्रैगन देखे थे कुछ, जिनका नाम में भी क्या है, नाम में भूल गया, रुको, यहाँ पे उसका सैडल था कुछ अजीब सा। थ्रोनी ड्रैगन में भी, यस यस, थ्रोनी ड्रैगन जो थे, मेरा दोस्त बोल रहा है कि वो थ्रोनी ड्रैगन एक पकड़ना चाहता है। तो लेट्स सी उसको कैसे पकड़ते, क्या सीन है अभी पता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एरोज अगर उसको मारेंगे हम तो वो उसके पूछ पे जो कांटे होते हैं वो फेंकना शुरू कर देता है। तो उससे कैसे बचे, शीर डले के बच सकते हैं, लेकिन देखते हैं, चलो अगर हो सका तो उसको भी टेम कर देंगे। तो अभी जा रहे कांगारू को पकड़ने के लिए, हमको जाना पड़ेगा एकदम अंदर की तरफ रेगिस्तान में। और गाइस अभी जो है हम बॉस फाइट के लिए में भी टीरेक्स लेके जाने का सोच रहे, टीरेक्स या फिर ऐसे ही कुछ तो लेके जाना पड़ेगा जो काफ़ी ऊंचा हो, क्योंकि पहली जो बॉस फाइट है, आपने अगर देखी होगी वीडियोस यूट्यूब पे, तो हमारी पहली बॉस फाइट है ड्रैगन, उसके बाद ग्रिफिन, एंड उसके बाद जो है रॉक एलिमेंटल, तीनों के तीनों एक साथ हमको मारने पहली बॉस फाइट में। तो भाई साहब ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ये बॉस फाइट, जो रैग्नारोक की पहली बॉस फाइट है वो। मटेरियल ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जो उसके लिए, जो हमको रिलिक रेलिक ही बोलते हैं या ऐसी कुछ बोलते हैं, वो जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, लेकिन जो डायनासोर है वो हमको सोच समझ के चुनने पड़ेंगे, क्योंकि वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं उसको कपड़े पहन लेता हूँ, बर्फ से ऊपर उड़ने वाले हम, देखते हैं। सोच रहे कि टीरेक्स लेके चले। तो गाइज आप क्या सोच रहे हो कि रैग्नारोक की जो फर्स्ट फाइट है उसके लिए हम जो है कौन से डायनासोर यूज़ करें वो इजी रहेंगे, ये बताना हमको कमेंट में, ज़रूर बताना कि हम जो है वो कौन से डायनासोर यूज़ करें, क्योंकि फ़िलहाल तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है। हम अगर ग्राउंड के ट्रूप्स लेके चले गए तो सीन ये है कि ड्रैगन का सीन है मेन, क्योंकि ग्रिफिन को तो समझ लो हम मार सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर लेके जाएंगे हम ऑटोमेटिक वाले जो निशाने को फॉलो करके मारते, और लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी ड्रैगन को मारने में। तो उसको मारने के लिए वहाँ पे क्या लेके जाए ये पता नहीं है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको कौन से जो डायनासोर्स है वो लेके जाने चाहिए, ठीक है? अभी फ्रीजिंग हो रही है यहाँ पे और ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके उस एरिया में, ओके फ्रीजिंग गायब। अभी वहाँ पे जाके जो है वो कैंगर उसको करते हैं टेम, उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ट्रैप कैंगर उसको पकड़ने के लिए वर्क नहीं करते,
वो भाई ट्रैप के ऊपर से जंप करके निकल जाएंगे। अटैक नहीं करेगा वो। अटैक नहीं करेगा, भागेगा वो। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंगारू। ओ काफी कम लेवल का है, तो ज्यादा डार्ट्स नहीं खाएगा ये। ओ ये देखो फीमेल है और लेवल 4 का ही है, लेकिन मेरे को उससे पहले ये जो एरिया है पूरा क्लियर करना पड़ेगा, ताकि वो दौड़ दौड़ के उनके पास ना चले जाए। बैकअप के लिए मेरे पास गन है, लेकिन एरिया क्लियर कर देता हूँ अगर इस तरफ भागा। देखो पट्ट से भाई हेडशॉट। ओके ठीक है, एरिया तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। ओ जेरबू आए यहाँ पे, रुक जा रुक जा रुक जा। ओ भाई गाइस जेरबू आए। ओके इसको भी लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा जेरबुआ पानी के अंदर ही मर गया, आपने देखा होगा तो वीडियो में, पेल दिया उसको। मेरे पास बेरीज तो है, अच्छा बेरीज है, रुको पहले गाइस जेरबुआ को करेंगे टेम, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लॉन्ग नेक राइफल लेके आए भाई, लॉन्ग नेक राइफल से मर ना जाए, क्योंकि उसकी हेल्थ पहले से 50 होती है, 50 या कुछ 40 होती है। अरे भाई भाई कुचल देगा क्या भाई, धरती को हिलाना थोड़ा बंद कर दे भाई। भाई ये धरती को हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक आधे नार्कोटिक्स भी खिलाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो इस छोटे से क्यूट से जेरुबुआ के लिए आपने नाम सजेस्ट किए थे, पता है उनमें से एक आधा नाम इसको दे देंगे एंड में। ट्वेंटी वन हो चुका है, होने दो इसको आराम से। ठीक है, एक नार्कोटिक भी खिला लेता हूँ। हेल्थ देख रहे हो इसकी, सिर्फ 7% बची है गाइज हेल्थ। 55 हेल्थ थी और सिर्फ 7 बची है भाई साहब। ओके राइफल अंदर डाल गए, तो गलती से अगर लग गया इसको तो दिक्कत हो जाएगी। 36 हो चुका है, एक और नार्कोटिक्स। और ये कांगारू, अच्छा ये क्या, ये में भी मेल है क्या, क्या ये मेल है भाई। ये धरती भाई, भाई तू अभी इसको पेल दूंगा, अभी मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा ये भी फीमेल ही है। ओके ये तेरे को स्किन वाले एग चाहिए पैनी, नीचे पड़े देख स्किन वाले एग, क्या स्किन जिससे मिलती है ना वो कलर वाले एग, नीचे पड़े चाहिए तू उठा ले। ये देख यहाँ पे पड़ा है, देख यहाँ पे एक ये अरे भाई ये स्पॉइल हो गया, देख तेरे सामने जस्ते, ये उठा मैं एक एक जेरुबुआ को खिलाता हूँ। ये देख ये वाला एक, ये वाला उठा ले इधर, ये मेरे देख को किस दिख रहा गूगल से, ये मेरे सामने ये देख, ये वो एक उठा और खिला उसको। ये हो गया क्या टीम भाई, उड़ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान ध्यान देना पड़ेगा इस पे। ये सामने उठा, उठा के रख, बाद में काम आएंगे। ओके 94% हो चुका है गाइस, फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल वाला नाम दे देंगे इसको एंड में। ओके हो गया। और इसको गाइस, हाँ बोल। ओके इसको एक खिला दिया, देख मैंने क्या लग रहा है। ओ भाई क्यूट, इसको उठा लेता हूँ। उठ जा उठ जा, जेरुबू आए। ओके तो गाइज जिस काम के लिए आए वो कंप्लीट कर लेते हैं। वो देख वहाँ पे वो एग डालने वाला है, देख घूम रहा है, देख उधर चाहिए तो उससे निकाल सकता है तूर को। ये काफी ज्यादा जमीन हिरा रहा है। ओके तो इसके पीछे भागना पड़ेगा हमको। कौन है एक डालने वाला? एक कुछ डॉन करके नाम है, पता नहीं है क्या नाम है। एक डालने वाले को पकड़ नहीं सकते, मैं भी पकड़ नहीं सकते उसको, उठा के अपने बेस में रखना पड़ेगा ट्रैप में। कांगारू भाई रुक जा। अच्छा कांगारू को उठा सकते हैं क्या ड्रैगन से हम? हाँ उठा सकता है, तो पहले बता देता उसको, उठा के लेके आना। फिर इतना पीछे पीछे क्यों दौड़ू मैं? ये कौन है ये कलर पिंक वाला? पता नहीं है। ओ भाई डार्ट स्मिथ्स हो रहे यार मेरे, नाम क्या ये रिलोड में काफी टाइम लगा देता। ओ हो गया भाई साहब। ओ भाई सिर्फ 2 डार्ट्स में गाइस, सिर्फ 2 डार्ट्स में हो गया। और थोड़े से नारकोटिक डाल के रखता हूँ और इसको थोड़ा सा भूखा होने दो। और नारकोटिक असर कितना जल्दी खत्म हो रहा है,
ओके मतलब भाई काफी जल्दी हो रहा है, एक काम कर लेता हूँ। ओ यहाँ पे मैं भी कोई एक हाद मेल है क्या कांगारू, अगर होगा तो उसको भी टेम कर लेते। भाग रहा है हाँ, उसके पीछे थोड़ा सा छुपते रहना पड़ेगा, वरना उसके पीछे ही रहे वो एक डालते रहेगा तब उठा ले सिर्फ एक। यहाँ पे कांगारू देखा था मैंने, ओ भी मेल हो। मेरे इधर है अच्छा तेरे पास है क्या, वो फीमेल है। चल वो कोई नहीं रुक, लेके आ उठा लेके आ लेके आ लेके आ। कांगार को नहीं उठा सकता है। नहीं उठा सकता, चल कोई दिक्कत नहीं है। इसका अनकॉन्शियनेस टॉर्पिडिटी जो है वो काफी जल्दी खत्म हो गई। उठा लिया, ये एक डालने वाले को अच्छा एक डालने ये वाले कितना को उठाया, मेरे को लगा कांगारू को उठाया क्या डाले। इसने। अच्छा ये डोडो के एग है, अच्छा डोडो के कलर वाले एग नहीं मिल कलर रहे। वाले मेरे आड़ी मेरे पास ओ भाई सही है, चल कोई नहीं। अच्छा ये एक और कलर वाला रहा, रुको गाइज एक ये जो एग है ना वो हमारे ड्रैगन को खिला के देखते कि कौन से अतरंगी कलर का बनता है ये, ठीक है चलो खा। ओ मेरे भाई सब ओ भाई क्या बन गया देखो गाइज, तेरा तेरा भी ऐसे ही बना क्या? अच्छा तेरे से फिमिलर, तेरे जैसा ही थोड़ा थोड़ा बन गया। मेरे को भी खिलाते हैं देखो हाँ खिला खिला, मैं इस कांगारू को कर देता हूँ टेम। वो आगे एक और है गाइस, मे बी मेल निकले, इसको नार्कोटिक खिला के चला जाता हूँ मैं ताकि ये उठ ना जाए। काफ़ी जल्दी हो जाएगा, रेयर मशरूम जो है उससे अराउंड 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 15 या 10 मिनट भी नहीं, और अगर उसको भूखा रखे तो और भी जल्दी। ओ भाई मेरे को प्यास लगी है। और ये पिंक ग्रीन हो गया, पिंक ग्रीन ओके मेल है ठीक है, उससे पहले मेरे को पानी लेके आना पड़ेगा, उसको भी पकड़ लेंगे गाइज, एक मेल और एक फीमेल हो जाएगा ठीक है। ओके, लेवल कितनी है अभी यार? यहाँ पे ओवर हीट का सीन काफी होता है गाइज, इसलिए मैं इस एरिया में ज्यादा तर करके आता नहीं हूँ। 23 का है, इसको ज्यादा डार्ट्स लगेंगे। ओ भाई पहला ही डार्ट मिट्स, अच्छा मतलब डार्ट्स के जो है वो ड्रॉप नहीं होता ना बुलेट। भाई निशाना, गन का निशाना जो है मेरे को ठीक करना पड़ेगा। भाई भाग रहा ये है इसको क्या? एक को ये एक कलर है, एक कलर एक को क्या करना है? कितनी बार यूज कर सकते हैं? कितनी भी बार, मतलब एक एक को सिर्फ एक बार। भाई साहब काफी भाग रहा है गाइस ये। ओके रुक गया, ओके रुक गया गाइस। भाई साहब कितना रुक गया था वो, काफी रुका हुआ था। मैं भी इसको 3 या 4 डार्ट्स लगे, उस वाले को लगे थे 2 डार्ट्स, तो ये मैं भी ओके। वो चोर चोरी करने वाला जो होता है वो पीछे लग गया है मेरे, काफी सही है। बन्नी किधर भाग गया? बन्नी ओ यहाँ पे एक और जेरुबुआ है, लेकिन हमको मिल चुका है हमारा। ओके एक और, छोटे बन्नी को पकड़ता हूँ, बन्नी को पकड़ पकड़ भाई हो जा यार, 4 तो खा चुका है और कितनी खाएगा। ओके हो गया गाइस ठीक है, एक मेल और एक फीमेल गाइस हमको। ओके ओए उसको नहीं मारना, चल तेरी जात का वड़ा पाव मारू। चाहिए भी बेहोश हो गया, बेहोश नहीं करना इसको, इसको सीधा भगवान के पास पहुंचाना है। अच्छा इससे में भी जो फाइबर काटने वाली होती है उससे प्राइम मीट मिलता है शायद, एक बार ट्राई मारता हूँ। अच्छा कुछ नहीं मिल रहा फिलहाल, तो कुछ नहीं मिल रहा ठीक है। इसमें मैं नारकोटिक डाल के रखता हूँ ठीक है, इसका जो टॉर्पिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, अभी उसको लेके आते हैं जो दूर था, उसको हम मशरूम्स खिला देते हैं, वो टेम हो जाएगा डायरेक्टली कलरफुल। तो गाइज हमने 2 थुक कर दिए यार, एक मेल और फीमेल भी हो गया है हमको, तो काफ़ी अच्छा है। और हमारे ड्रैगन को एक भी खिला दिया हमने, जेरुबुआ भी कर दिया है, सही है। इसको मशरूम खिला देता हूँ मैं, कितना हो गया? 12-25 ही हो जाएगा, आराम से हो गया, 25% हो गया गाइस। ये लो गाइस हो गया, गाइस हो ही गया समझ लो।
62% एंड इसका फूड बार फुल। वाह कोई नहीं, चलो इसको नारकोटिक तो दे के रखता हूँ मैं। ओके होने दो। 5 minutes later कांगारो है वो कितना हुआ है देख लेते हैं एक बार, और इसको क्रायोपॉड में डाल देंगे। ओके 87 हो चुका है और मेरे हिसाब से ओ भाई हो गया, वाह काफ़ी सही है। और इसका सैडल भी गाइज लेके आए ताकि ट्रायल जो है यही पे मार सके हम। ओके और इसको बेरीज लाना भूल गया मैं इसके लिए, कोई नहीं। तो देख सकते हो गाइज कैंगारू हमारा हो चुका है, काफ़ी कलर देख सकते हो अब, काफ़ी बढ़िया कलर मिला है गाइज हमको, देख रहे हो काफ़ी सही है। और सही है इसका जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़िया है। और इसके जो थैली है उसमें शायद हम छोटे इसको रख सकते हैं क्या, ये जेरुबुआ इसके थैली में जाएगा मे भी नहीं रेनो। चलो अभी इसका जो अटैक है वो दिखा देता हूँ मैं गाइस, ठीक है। तो जो फर्स्ट अटैक है ओके बाइटिंग अटैक है और ये लात वाला अटैक है, ये हम ट्राई मारेंगे डोडो पे, डोडो पे लात वाला अटैक ट्राई मारते भाई। भाई 200 किलोमीटर दूर, डैमेज नहीं है लात वाले अटैक का गाइस, ज़्यादा डैमेज नहीं है और सिर्फ ये देखो दूर उड़ा देता है। और बाइट वाले अटैक का अच्छा मतलब डैमेज कांगारू ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। ओके 28 और 18 इतना ही परसेंट वो डैमेज दे रहा है, ज़्यादा दे ही नहीं रहा, 28 और 18%। और अभी इसकी जंप देख लेते हैं। ओ भाई देख रहे हो गाइज कांगारू की जंप देखो, काफ़ी ऊंची छलांग मार सकता है ये, देख रहे हो काफ़ी बढ़िया काफ़ी सही है। और इसको फॉल डैमेज पड़ता है क्या? ओ भाई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं फॉल डैमेज पड़ता। स्टैमिना भी 350 स्टैमिना है फिर भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है, देख रहे हो जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा, देख रहे हो जंप करने पे भी ज़्यादा ख़त्म नहीं हो रहा इसका स्टैमिना जो है वो काफ़ी सही है। शीशे कलेक्ट कर रहा है उसको, अच्छा शीशे कलेक्ट करेगा, रुक जा जेरुबुआ को डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको कलेक्ट कर, वो कर दिया। ओह माई गॉड, ओह गाइज देख रहे हो हमारा छोटू सा जेरुबुआ जो है उसके थैली में जा चुका है। ओ भाई खतरनाक, ओ इसको लेके जंप करेंगे हम। आहू ओ यस दबा के रख और छोड़ दे एक बार में। ओ भाई सही है सही है, जेरुबुआ को निकाल देता हूँ, काफी बढ़िया है काफी सही। अच्छा छोड़ेगा कैसे वापस से सीधा बाने पे छोड़ेगा, मैं भी छोड़ दिया पिकअप कर दिया। अच्छा तेरा जेरुबुआ टेम हो गया देख पैनी, मेरा हो गया हाँ ठीक है। चलो तो गाइज इसको अभी रेयर मशरूम खिला देते हैं, और फूड बार कितना कम हुआ है इसका, और काफ़ी हद तक हो चुका है तो देते खिला। चलो ओ फूड बार काफ़ी जल्दी इसका बढ़ता है, ठीक है 1800 हो चुका है 1900। ओ भाई काफ़ी मेरे हिसाब से जल्दी खिला दिया उसको। ओके क्यों नहीं जा रहा 48% हो चुका है गाइस, तो होने दो और फिर इसके होने के बाद इन दोनों को बेस पे लेके जाएंगे और वहाँ पे थोड़े से मजे करेंगे। और आपने जो एंकलो और हमारे जेरुबुआ को नाम सजेस्ट किए वो मैं उनको दे दूंगा, ठीक है। ओ मेरा ड्रैगन उस तरफ है उसको लेके आने दे, क्या हो गया पैनी? अच्छा। मेरे को एक पकड़ के ना एक कांगरो एक और कहाँ पे बता, कहाँ पे बता इच्छा जो देख सामने थे, ठीक है चलो हमारे दोस्त को एक और कांगारू पकड़ के देते हैं। आ रहे रुक भाई, ये चढ़ नहीं रहा, रुक जा रुक जा रुक जा, पहुँच गया मैं कहाँ पे चाहिए, कितने लेवल का है बता? 4 का ही है ना, 2 डार्ट्स में हो जाएगा, रुक 2 डार्ट्स में हो जाएगा, रुक जा रुक जा रुक जा। नहीं लगा ओ भाई इसको जग बग है वो, उसमें तेरे को पानी या फिर ऑयल मिलेगा। अरे अटै अरे चीटी पड़ी है पीछे, ये निकाल पाइक या तलवार निकाल के मार दे उसको, तेरे पीछे लगी चीटी देख। ओके इसको मे बी मैं उस तरफ भगा दूंगा क्योंकि उधर अगर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके
ठीक है, अपोजिट में भाग, अपोजिट में, नाइस। अभी यहाँ पे बेहोश होने वाला है, हो गया। आजा पहनी, तेरा बेहोश हो गया, देख ये ले। तो गाइज मेरे दोस्त को चाहिए था एक और, तो कर दिया एक और टाइम। इसमें नारकोटिक डाल के रख रहा हूँ, और मशरूम जो है मैं मेरे इसमें से निकाल के देता हूँ। वल्चर जो है, ओ भाई वल्चर भी बेहोश। भाई रेगिस्तान में रैप्टर क्या कर रहे हैं? ठीक है, वल्चर को मेरे को एक्चुअली बेहोश नहीं करना था, मेरे को इसको मारना था। बाकी ये बीच में कुछ दखल अंदाजी ना कर सके। रैप्टर क्या कर रहे? आजा आजा आजा, इसको जल्दी से देख, दौड़ा ये ले। हाँ पानी पी क्या, रेगिस्तान में उसको बेहोश करके रखा है, और उसका जो टॉर्पिडिटी है काफ़ी कम है, तो काफ़ी जल्दी उतर रही है। ओ भाई मेरा भी पानी खत्म। ओके उधर ही जा, ऊपर देख, रेगिस्तान में करके रखा है, ऊपर ही। हाँ रेगिस्तान में देख, दिख जाएगा देख, मिट्टी पे लेटा हुआ। ओके इसको थोड़ा सा और मशरूम्स लेके आता हूँ, रुक तेरे लिए। वही तो, उनको मार दे पंछी से। ओके मेरा एक कांगारू क्या पे, अच्छा रुको, इसको क्रायोपॉड में डाल देता हूँ गाइस, ताकि गुम ना हो जाए कहीं पे। ठीक है, और लेवल अप इसकी बेस पे जाने पे ही कर देंगे हम। ओके यहाँ पे कुछ तो, अच्छा ये एक जेरबो, जेरबो काफी घूम रहे इस एरिया में। ये ले मशरूम, मशरूम ले ले। अरे ये यहाँ पे बीटल भी है, उसके लिए तेरे को पॉटी चाहिए, उसको पॉटी खिला एक दो, फिर वो टेम हो जाएगा। पॉटी होगी तो खिला दे, वो टेम हो जाएगा। मेरे पास तो एक्स्ट्रा ये, इसमें मैंने मशरूम डाल के रखे। और गाइस ये हो चुका है 69। ओ भाई माय फेवरेट नंबर, ओ भाई चला गया, 69% हुआ था, अभी 76 हो गया। और वो ऑयल वाला जगबग, पिछली बार आपने वाटर वाला जगबग देखा होगा, अभी मैं आपको ऑयल वाला भी दिखा देता हूँ। और ये जो बड़े बड़े जिनके पीठ पे कुछ बनाए, देख रहे हो गाइस आप? इनका नाम मैं भी देख लेता हूँ। ये जो बड़े जिनके पीठ पे कुछ ऐसी चीज़ बनी है ना, इसमें वाटर रख सकते हैं। इनका नाम है मोरेले, मोरेले टॉप्स या मे बी ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो इसमें हम वाटर रख सकते हैं शायद इनके अंदर। हम ये अटैक भी नहीं करते नज़दीक जाने पे, लेकिन इनमें से पानी निकालने का ऑप्शन नहीं आता। मेरे को लगा था कि जगबग जैसे मैं पानी निकालने की एक बार कोशिश कर रहा था पीछे जाके, लेकिन हुआ नहीं। तो ये देख रहे हो, ये जगबग जो है ये है रेड कलर का, इसमें से हमको मिल जाएगा गाइस ऑयल। और ये जो है ये ब्लू कलर का है, तो इसमें से हमको मिल जाएगा पानी। तो देखो पन्नी किधर गया, एक वाला ये देखो, इसमें से मैंने पानी पी लिया, और इसमें से मैं ऑयल निकाल के दिखा देता हूँ आपको। एक वाला जो बनी था वो ही पे घूम रहा होगा शायद, देख ले। ये देखो गाइस, ये देखो ई टू टेक ऑयल, देख रहे हो? ओ देखो एडेड वन ऑयल, तो मेरे को एक ऑयल मिला गाइस, तो इनका काफ़ी अच्छा फायदा है यहाँ पे। ओके ये देखो एक ऑयल यहाँ पे मिल चुका है मेरे को, और मेरे हाँ क्या बोल रहा है? टट्टी दे मेरे को, मेरे पास ही नहीं है टट्टी, तेरे को कहाँ पे दूँ? खाना खा ले तू, थोड़ा सा ज्यादा खाना खाएगा ना तो टट्टी निकल जाएगी अपने आप। लाल वो खिला देना उस बीटल को। कितने में टाइम हो जाएगा? 3 में दो, कितने लेवल का है बता? 80 दो दो टट्टी के। अच्छा हाँ ड्रैगन दो दो टट्टी देंगे, देख ड्रैगन को खा। अरे मेरे को एक मिली, रुक रुक जा रुक जा, जेरुबोआ ने अभी टट्टी की एक, ये ले मेरे को, आ जा ले फिर कहाँ पे बता। ये इधर पीछे आगे, ये पीछे तेरे। अच्छा इधर है, ये ले टट्टी सोन मिल रहा है। हाँ फिर 4 या 3 टट्टी लगेगी उसको। ये ले एक और डाली इसने, वाह तेरा नसीब अच्छा है, ले लेकिन स्मॉल है ये, उठा ले। हाँ
अरे तेरे ड्रैगन ने दो डाली है, देख ये ले, ये उठा ले, ये ले भाई साहब, ये ले, ये बड़ी वाली है, ये पहले खिलाओ उसको तो थोड़ा ज्यादा जल्दी होगा। कहाँ पे वो? अच्छा उधर है ना, ओके इसको दे, रुक रुक पहले इसको दे। हाँ इसको मैं नार्कोटिक खिला दिया है, चल नार्कोटिक डाले। हाँ चल, तो एक बग को, अबे सामने मैंटिस है, कोई नहीं चल मैं गन निकाल के रखता है अगर कुछ लफड़ा हुआ तो। बड़ा वाला पहले खिलाओ उसको, नीचे रख। अच्छा हो गया ना 13%। अरे छोटी वाली खिलाई शायद तूने उसको, बड़ी वाली खिलाई, ठीक है कर दे इसको बेटे। भाई ये कितना पानी पी रहा है भाई, क्या के बंदा हमारा भाई, पानी के लिए भाई चक्कर मारने पड़ रहे बार बार उस छोटे से पॉड के। चलो यही पे पानी पीना पड़ रहा है हमको बार बार। नाइन्टी सिक्स परसेंट हो चुका है गाइस, 96, और अभी जस्ट हो गया। लो गाइस हो गया, सही है। मशरूम्स निकाल लेता हूँ मैं, और एक और सैडल लेके आया था वो लगा देता हूँ। ओके मशरूम दिए तेरे को मैंने, देख दिख रहा है नहीं। अरे दिए थे मैंने, डाले थे। ओहो भाई पता ही जहर, इसको ज्यादा कलर नहीं मिला हमको। ये मेरे पास एक एग था ना, वो इसको खिला देता हूँ। रुक, हाँ एग है मेरे पास, रुक भाई लाल कलर का हो गया। ओहो भाई हाँ हाँ निकालता हूँ मैं और कलर के एग, रुक देख रहे हो गाइस लाल कलर का क्या लग रहा है, ये एक नंबर। तो गाइज इसको भी क्रायोपॉड में डाल देता हूँ, आ जा भाई। तो कितने टाइम लगता है रखने में? उसको टाइम लगेगा बीटल को काफी। तो गाइज इन दोनों को हम बेस पे लेके चलते हैं, और ये तीसरे को भी टेम होने दीजिए, इन तीनों को उठा के बेस पे लेके चलते हैं हम फटाक से। तो गाइज पता नहीं क्यों मेरे को इन रैप्टर को सामने देख के इनको मारने का मन कर रहा है, और मैं इनको जो है ये देख रहा हूँ हमारी स्नाइपर उससे मारने की कोशिश करने वाला, ऑटो से नहीं, ठीक है। तो देखते हैं हेडशॉट। ओके मिस्ड, पट्टा से 170। मर भाई मर, मर गया एक भाई, खुद के ही पार्टनर को खाए जा रहा है। अरे कैसे रैप्टर है भाई तू, कैसा रैप्टर है भाई? रिलोड 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 रिलोड, मर गया पट्टा से, मर गया पट्टा से, हेडशॉट दिया उसको। अभी क्या मार रहा है उसको? ओ भाई हाँ कर दे कर दे। तो चलो मेरे को ड्रैगन को लेके आना था, लेकिन बीच में वो दिखे मेरे को तो लगा कि भाई मार दूँ इनको, तो पेल दिया। स्नैपर काफ़ी बढ़िया है, और लेकिन इनकी जो हेल्थ है ना काफ़ी, मतलब यूज़ है वो काफ़ी कम टाइम तक हम कर सकते हैं। ले मैं तेरे को दो और टट्टी लेके आ रहा हूँ तेरे लिए, जाएगा मेरे पास है ना। दो बड़ी वाली दू तेरे को? बड़ी वाली मेरे पास तीन है। अच्छा सही है, चल कोई ये मशरूम खिला दे इसको फिर। रुक रुक एक दो और को नहीं कट हो गया, आधे से ज्यादा हो गया है। मशरूम खिला दे उसको, डाल दे डाल दे, सही है चल। ले कितना हो गया, 10 25, ये ले भाई हो गया 50 हो गया गाइस, 60 हो गया। एक डालना इसमें, कलर चेंज कर। एक नहीं है, एक मैं ढूंढता हूँ और कलर चेंज करता हूँ। ये ले हो गया, हो क्या छलांगे मार रहा है, ठीक है। नार्कोटिक और मशरूम निकाल देता हूँ। अच्छा बेरीज लेके आया था तू? ये भाई मेरी हेल्थ कम हो रही है भाई, क्या ये ले ले ले, अनफॉलो कर दिया। मेरी हेल्थ कम हो रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और हेल्थ रिकवर करता हूँ। तो गाइज इन सारे कांगारूज को जो है हम बेस पे लेके चलते हैं, ओके। यहाँ पे लेटने दो पानी में, ओहो गर्मी में क्या क्या करना पड़ रहा है।
तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, मैं जो है हमारे कांगरू को लेके आ चुका हूँ हमारे बेस पे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा बेबी ट्राइक भी हो चुका है। इनका इनेबल मेटिंग था तो वो अंडा उठा नहीं पाए ट्राइक का, तो उसमें से बेबी निकल गया है छोके। लेकिन फिलहाल इस बेबी की हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको वैसे ही छोड़ देते, मर जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप एंकलो देख सकते हो, बहुत सारे बंदों ने काफ़ी अच्छे अच्छे नाम एंकलोज के मेरे को नीचे कमेंट में बताए, ठीक है। मैं पहले बता दूँ कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। बंदों ने इन एंकलो के जो नाम बताए वो वीडियो है द आइलैंड वाली, और मैंने और मेरे दोस्त ने दो एंकलो टेम किए थे रेडवुड एरिया में। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो अच्छा है, अगर नहीं देखी होगी तो फटाक से जाके देखिए गाइस। तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी अच्छे अच्छे नाम मेरे को एंकलोसॉरस के बंदों ने बताए, तो वो नाम अभी मैं इन एंकलो को देने वाला हूँ। तो बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई इतनी देर बाद क्यों नाम, तो आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन जब शुरू है तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो पता नहीं लॉकडाउन रहेगा या ख़त्म होगा, लेकिन लॉकडाउन के दिनों में जो मैं है अराउंड 4 या 5 वीडियो एक दिन में बना रहा हूँ, लेकिन वो अपलोड मैं डेली नहीं कर पा रहा नेट इशू के कारण। तो इसके लिए जो आपने जो नाम भी बताए मेरे को, वो काफ़ी देर बाद मैं अपने डायनोसोरस को दे सकता हूँ, तो सॉरी गाइज इसके लिए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और नेट स्टेबल हो जाएगा तो हम अगले वीडियो में आपने बताए हुए नाम हमारे डायनोसोरस को दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, मेल या फीमेल पहले देख रहे हैं। तो फीमेल जो एंकलो है उसके लिए काफ़ी अच्छे नाम मेरे को बताए बंदों ने। इसमें से हम इस फीमेल को जो नाम देने वाले हैं वो नाम देने वाले हैं चमेली, ठीक है। तो इसको पहले नाम दे देते हम चमेली, ठीक है। और ये जो चमेली नाम है ये हमको सजेस्ट किया है सार्थक ने, तो सार्थक ब्रदर थैंक यू इतना अच्छा नाम बताने के लिए, एंड सार्थक ब्रो शाउट आउट टू यू ब्रदर। ये अरे ये भी फीमेल है एंड अच्छा मेल, अरे भाई सब फीमेल है। और बंदों ने जो है सीन ये हो गया कि काफ़ी कम नाम फीमेल के बताए है मेरे को, तो थोड़ा सा यहाँ पे सीन हो जाएगा, क्या करे अभी, ठीक है। एक काम कर लेता हूँ, मैं मेल को जो है वो नाम दे देता हूँ। तो गाइज आप जो है फीमेल्स के ज़्यादा नाम नीचे कमेंट में दिया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा चंगू, ठीक है। चंगू नाम जो है, चंगू मंगू एक्चुअली मैं नाम सजेस्ट किया था हमारे रितेश तलवाड़े करने, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे दो फीमेल है तो मंगू मैं दे देता हूँ अभी के लिए, बाद में मैं चेंज कर दूंगा। एक अच्छा सा एंकलो का नाम मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएगा फीमेल वाला, तो इसको मैं चंगू दे देता हूँ और उस वाले को दे दूंगा मंगू। तो थैंक यू रितेश तलवाड़ेकर इतना अच्छा नाम बताने के लिए, एंड शाउट आउट टू यू रितेश तलवाड़ेकर, ठीक है। अगर सरनेम मैंने गलत पढ़ा होगा तो सॉरी ब्रो, ओके। इसको मैं नाम देता हूँ मंगू। उसके बाद जो है एक्चुअली में मैंने एक नाम जो है वो बचा के रखा था हमारे जेरबुआ के लिए, ठीक है। जेरबुआ को मैं नाम देने वाला था देवसेना, ठीक है। तो देवसेना जो नाम है वो सजेस्ट किया है पवन जैन ने, तो पवन ब्रदर थैंक यू इतना अच्छा नाम सजेस्ट करने के लिए, एंड शाउट आउट टू यू पवन ब्रो। लेकिन सीन ये हो गया है कि अभी मेरे को वो नाम एंकलो को देना पड़ेगा। मेरे को लगा था कि हमारे पास मेल एंकलो ज़्यादा है लेकिन फीमेल ज़्यादा निकले, तो कोई नहीं, इस वाले को हम नाम दे देते हैं देवसेना। ओ भाई स्पेस पड़ा है ना बीच में, ओ यस ओके गाइस। तो सारे एंकलोसॉरस को जो है हमने नाम दे दिए, एक को है देवसेना, एक को है चमेली, और इन दोनों को है चंगू एंड मंगू। तो ऐसे गाइस आप अच्छे अच्छे नाम कमेंट में बताते रहिएगा, और आप जो नाम बोलोगे बताओगे वो नाम मैं अपने डायनोसोरस को दे दूंगा, और आपको वीडियो में शाउट आउट भी मिल जाएगा। ये ट्राइक का छोटा बेबी यहाँ पे मर गया है, और इसका प्राइम मीट निकाल लेता हूँ मेरे को, ठीक है। और ये रहा प्राइम मीट, ओके। और हमने अभी जो हमारे लेके आए थे कांगारू उनको निकाल लेते बाहर, ओके okay, इसके लिए बेरीज, अच्छा इसमें बेरीज होगी ना, मैंने इसमें डाली होगी बेरीज, यस बेरीज दे देता हूँ पहले उसको,
इसका फूड बार थोड़ा सा कम होगा, प्राइम मेट काफी है। ओके तो इसको बेरीज खिला दिए मैंने और लेवल अप भी आ चुका है, तो मैं क्या बढ़ाऊँ इसका स्टैमिना। ओ इसकी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ये अच्छी बात है, सही है। स्टैमिना में बढ़ा देता हूँ। ओके 490 मतलब अराउंड 500 पहुँच चुका है स्टैमिना, तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या इसके ऊपर से जंप करेगा। ओ भाई कर दिया आखिरकार इसने जंप, मेरे को लगा नहीं था कि ये ऊपर से जंप कर पाएगा। काफ़ी बढ़िया गाइज, तो हमारे पास दो कांगारू हो चुके हैं और अभी गाइज इन दो कांगारूज के लिए अच्छे से नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइज। तो आज के वीडियो में बस गाइज इतना ही, आपसे मिलते हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। और नीचे अच्छे से नाम ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, एक मेल और एक फीमेल है तो फीमेल वाले नाम भी हमको चाहिए गाइज, तो फीमेल के नाम भी बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर गाइज। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart.